हेलो एवरीवन। तो आज जो वीडियो है वो मैं उर्दू में बनाऊंगी। उसकी वजह ये है कि इट डील्स विद द इश्यूज विच आर रिलेटेड टू पाकिस्तान, सॉरी रिलेटेड टू इंडिया, और उसके बारे में पाकिस्तान ने बहुत उस चीज़ को बोला था, उसके बारे में बात हो रही थी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा। और हम ये बात करें कि जो फार्मर प्रोटेस्ट हो रहे हैं या जो फार्मर आंदोलन हो रहा है इंडिया में, उसके बारे में, तो क्योंकि ये सब कॉन्टिनेंट के लोगों को डील करता है। वैसे एक्चुअली तो पर्सनली आई फील कि दिस इज़ अ वेरी इंटरनल मैटर ऑफ इंडिया, लेकिन क्योंकि ये काफ़ी ग्लोबलाइज हो गया है, और इससे पहले वाली जो वीडियो थी वो मैंने बनाई थी, वो जो रेहाना और ग्रेटा ने जो कमेंट किया था इसी फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में, तो वैसे पर्सनली मैं ये फील करती हूँ कि ये एक इशू है जो इंडिया का इंटरनल इशू है, और डेफिनेटली जो इंडियन फार्मर्स हैं वो अपनी ही गवर्नमेंट के खिलाफ या अपनी गवर्नमेंट को के खिलाफ कह सकते हैं, या जो उन्होंने एक लॉ लेकर आना चाह रही है गवर्नमेंट, उसके बारे में उनको थोड़ी इनसिक्योरिटी है, तो वो उसके बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। है तो इंटरनल इशू, लेकिन ठीक है, सिंस पाकिस्तान में इसके बारे में बहुत बात होती है, और बाहर भी स्पेशली कनाडा में, और ये ग्रेटा जो हैं जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, और रेहाना और बहुत सी और लोग सेलिब्रिटीज़ ने इसको जो है वो उठाया है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि सबसे पहले इसको जिस सेलिब्रिटी ने उठाया वो कंगना थी, और कंगना को अगर हम देखें तो उनका जो मतलब ज़्यादातर वो प्रो कह सकते हैं कि प्रो भाजपा या प्रो बीजेपी अपने स्टैंड्स रखती हैं, और मतलब वो जो आर्ग्यूमेंट देती हैं वो बिल्कुल ही स्टूपिड नहीं होते, या आप ये नहीं कह सकते कि उनके वो बहुत ही रेडिकल हिंदू हैं या इस वजह से वो सपोर्ट करती हैं। नहीं, उनके बहुत सारे जो पॉइंट, जो मुद्दे वो उठाती हैं, उनमें बहुत गहरा पॉइंट होता है, और वो काफ़ी जगह सही होती हैं, और मैं काफ़ी हद तक कंगना से जो है वो रिलेट करती हूँ, और उनको 100% उनसे एग्री करती हूँ बहुत सारे मुद्दों पर। मैं किसानों के आंदोलन और ये सारे इशू पे बात करने से पहले मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग पाकिस्तान में ये कहते हैं कि जो CCA उनका एक सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक लॉ था, उसके बारे में भी नेगेटिव कहा गया, पर पर्सनली आई फील कि इट वाज अ वेरी गुड लॉ, क्योंकि वो जो लोग नहीं थे, एक तो ये कि सिटीज़न नहीं थे, जिनको सिटीज़नशिप किसी भी वजह से नहीं मिल रही थी, उसकी आसानी के लिए वो लॉ लाया गया था, और वो बिल्कुल लॉजिकल लॉ था कि भाई जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ हैं, जैसे कि पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, और भी जो इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ हैं, अगर वहाँ पे मिनॉरिटीज़ परसिक्यूट की जाती हैं तो वो आ सकते हैं इंडिया और वो असाइलम ले सकते हैं। वैसे तो असाइलम का कानून पहले भी इंडियन लॉ में था, लेकिन अभी उन्होंने इसको स्पेसिफाई किया कि असाइलम सीकर जो है वो एक मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्री से एक मुस्लिम नहीं आ सकता, और ये नहीं कह सकता कि मैं परसिक्यूट हो रहा हूँ, क्योंकि ये लॉजिकली सेंस इसका नहीं बनता कि एक मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्री है और वहाँ पे मुस्लिम ही कैसे परसिक्यूट हो सकता है रिलीजन के बेस पे। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को परसिक्यूट नहीं कर सकता, ना ही करना चाहिए रिलीजन के बेस पे पर, क्योंकि दोनों का रिलीजन सेम है, तो परसिक्यूशन किस बात की। तो ये एक थोड़ा ऑड सा, और मतलब उसको थोड़ी क्लैरिटी उन्होंने लेकर आए उसमें कि भाई जो मुस्लिम मेजॉरिटी नेबर्स कंट्रीज़ हैं इंडिया के, अगर वहाँ से मिनॉरिटी कम्युनिटीज़ में से कोई आता है और कहता है कि जी हम पे रिलीजियस, पर्टिकुलरली रिलीजियस परसिक्यूशन हो रही है क्योंकि हम मेजॉरिटी जो उस मुल्क की आबादी है उसके रिलीजन से ताल्लुक़ नहीं रखते, तो वो आएँ इंडिया, इंडिया विल फैसिलिटेट दैम फॉर द सिटीजनशिप ऑन द बेसिस ऑफ असाइलम और ऑन द बेसिस ऑफ दिस। बहुत अच्छा कानून था, हाईली सपोर्टेड, अच्छा है, उन्होंने अपने मुल्क के लिए, और जो लोग असाइलम लेना चाह रहे हैं, जो रिलीजियस परसिक्यूशन से परेशान है, वो डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं, कोई इसमें नहीं है। हाँ, इसमें एक चीज़ मुझे थोड़ी सी